नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। दुनिया के सबसे महंगे होटल्स और बंगलों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रही हैं भारत के सबसे महंगे स्कूलों के बारे में। इन स्कूलों में आम इंसान के बच्चे तो पढ़ने का सोच ही नहीं सकते। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है इन स्कूलों में, तो आपको बता दें कि इन स्कूलों की फीस ही किसी आम आदमी की सैलरी से कई गुना ज़्यादा है, तभी तो यहाँ दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते हैं। आपको बताते हैं इन महंगे स्कूलों में सबसे पहला नाम आता है द सिंध्या स्कूल का। द सिंध्या स्कूल जिसकी फीस 12 लाख रुपए है, यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पढ़ने की एक महीने की फीस ही 1 लाख रुपए है। आपको बता दें स्कूल की स्थापना 1897 में ग्वालियर फोर्ट के पास हुई थी। वहाँ पर तत्कालीन महाराज माधवराज सिंध्या ने स्कूल की स्थापना की और स्थापना में सरदार स्कूल के नाम से की थी। कई दशकों तक राजाओं और सरदारों ने यहाँ और जागीरदारों के बेटों को अनुशासन और पाबंदी का जीवन व्यतीत करना सिखाया जाता था। वहीं पर घंटी बजते ही बच्चे योग करने पहुँच जाते हैं, उसके बाद हॉस्टल में जाते हैं और फिर स्नान करते हैं और ड्रेस निरीक्षण और नाश्ता होता है और उसके बाद भजन और प्रार्थना के बाद पढ़ाई होती है। पढ़ाई के बाद लंच और उसके बाद स्टूडेंट स्कूल के कैंपस में ही खेल खेलते हैं। अब आपको बताते हैं महंगे स्कूलों की दूसरी लिस्ट पर इसका नंबर आता है गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल का, जो कि ऊटी में है। दूसरा स्कूल ऊटी में नीलगिरी के पहाड़ियों के बीच बना हुआ गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ की सालाना फीस ही 12 से 15 लाख रुपए बताई जाती है। आपको बता दें ये स्कूल 70 एकड़ के फैले हुए स्कूल की स्थापना सन 1997 में हुई थी। वहीं पर ये स्कूल अपनी खास लाइब्रेरी और कई खास स्पोर्ट्स जैसे कि कॉम्प्लेक्स जैसे राइफल रेंज, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट और अन्य के लिए कोर्ट है। वहीं पर ऊटी के नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में बना ये स्कूल के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है और इसीलिए ये स्कूल महंगे स्कूलों के लिस्ट में शामिल है। अब आपको बता दें इस लिस्ट में अगला नाम है दून स्कूल देहरादून। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दून स्कूल के बारे में। अब आप सोचेंगे कि स्कूल में क्या खास है, तो आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उपन्यासकार विक्रम सेठ और अमिताभ घोष भी के अलावा यहाँ पे काफ़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिनके सुपुत्र यहीं से शिक्षा प्राप्त करके गए हैं। आपको बता दें कि गांधी परिवार के लिए तो दून स्कूल में पढ़ना एक परंपरा जैसा हो गया है। इस परंपरा की शुरुआत ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1945 में की थी। वे भारत के साथ साथ दुनिया के स्कूल में 6वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सन 1854 में अंग्रेजों ने स्कूल को भारत में स्थापित किया था। यहाँ की सालाना फीस 10,25,000 है। इस हिसाब से यानी एक महीने की फीस करीब करीब यहाँ पे बता दें कि आपको 85,000 रुपये की है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है वेलहम बॉय स्कूल्स। बता दें देहरादून में भी ये वेलहम बॉय स्कूल का नाम दुनिया भर में मशहूर है। स्कूल की फीस 5,70,000 रुपये के आसपास है। ये विद्यालय अपने कठोर नियम कानून को लेकर काफ़ी प्रचलित है और इस विद्यालय में मशहूर राजनीतिज्ञ राजीव गांधी, मणिशंकर अय्यर और फिर नवीन पटनायक, संजय गांधी, विक्रम सेठ जैसे बड़े प्रसिद्ध लोग पढ़ चुके हैं। आपको बता दें इस लिस्ट में अगला नाम है लॉरेंस स्कूल का। अब लॉरेंस स्कूल बाकी स्कूलों की तरह काफ़ी महंगा है, लेकिन लॉरेंस स्कूल की स्थापना 17 अप्रैल 1847 में हुई थी। वहीं पर इसकी स्थापना सन हेनरी एम लॉरेंस ने की थी, जो कि देश के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। ये 139 एकड़ ज़मीन पर बड़े क्षेत्र में फैले स्कूल में बड़ा खेल का मैदान, भवन और हॉस्टल है। वहीं पर प्रकृति के बीच स्थित पूरा क्षेत्र देवेदार और वहाँ पर साहब लूत और चीड़ के जंगलों में घिरा हुआ है। वहीं शुरुआती दिनों में कुछ एंग्लो इंडियन बच्चों को ही यहाँ दाखिला दिया जाता था। उसके बाद 1853 तक स्कूल में 195 विद्यार्थियों के लिए स्कूल विकसित किया गया। अब आपको बता देते हैं लिस्ट में अगला नाम है ऋषि वैली स्कूल। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले का वहीं पर मशहूर ऋषि वैली स्कूल का नाम शामिल है। अपनी बेहतर पढ़ाई के साथ साथ ये स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी सर्विस के लिए भी काफ़ी मशहूर है।
स्कूल में भी बच्चे दूर दूर तक पढ़ने के लिए आते हैं। ऋषि वाले स्कूल की फीस की बात करें तो यहाँ स्कूल की फीस 1 साल की 4 लाख रुपए बताई जाती है, यानी कि मर्सिडीज बेंज इंटरनेशनल स्कूल में भी ये काफ़ी महंगा है। स्कूल पुणे में हजीवाड़ा नामक जगह पर स्थित है। यहाँ पर बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए समय समय पर मनोवैज्ञानिक द्वारा उनका टेस्ट करवाया जाता है और यह स्कूल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूलों में से एक है। बात करें यहाँ की फीस की तो यहाँ की सालाना फीस है 16 लाख रुपए, यानी कि आपको बता दें कि एक महीने की फीस यहाँ पे करीब करीब हुई 33,000 की। अब आपको बता देते हैं कि वुडन स्टॉक स्कूल के बारे में, जो कि भारत के उत्तराखंड में स्थित वुड स्टॉक स्कूल मानो धरती के स्वर्ग में हो। ये घने जंगलों के बीच पहाड़ों के ऊपर बना हुआ स्कूल अपने स्वच्छ वातावरण के लिए भी काफ़ी पसंद किया जाता है। स्कूल की स्थापना 1854 में हुई थी और आज़ादी के समय में ये स्कूल भारत के सबसे पुराने स्कूलों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 16 लाख रुपये का भुगतान करना होता है और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में देश में कई महान हस्तियां भी शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।